आठ नंबर शनि का नंबर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है जिससे बहुत लोग घबराते हैं। शनि कर्म का नंबर है, शनि कर्म कारक है। कर्म करोगे भाग्य में फल मिलेगा, भाग्य बनेगा। कर्म नहीं होगा भाग्य में फल नहीं देगा। शनि कहता है मेहनत करोगे फल पाओगे। मेरे शनि कहता है मेरे जैसे लोगों को, शनि जैसे लोगों को दुख दुखी दोगे तकलीफ पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। टिट फॉर टैट, सिंपल। एंड सबसे ज्यादा इंसान इसी से डरता है, टिट फॉर टैट। हमने पता नहीं अपने लाइफ में, अभी में, पीछे में, पास्ट में, पहले में क्या क्या किया, कैसे किया, हमें खुद को नहीं पता। और उसकी जब बारी आती है फलों की तो हम घबराते हैं। दैट इज द रीजन हम शनि से घबराते हैं, क्योंकि वो टिट फॉर टैट है, इज ए नेचुरल जस्टिस प्लैनेट है। ठीक, शनि शनि वकालत का बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। शनि बहुत बड़ा लॉयर है, शनि जज है, शनि जस्टिस है। शनि धीरे चलता है बट सटीक चलता है। शनि धीरे धीरे छोड़ देगा बट सटीक देगा। उसके वहां पे टिट फॉर टैट है, कोई हेर फेर नहीं है, कोई निगोशिएशन नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है। रिश्वत इन द सेंस कि कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ अपील लगा ली तो पिघल जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्षमा याचना जल्दी से नहीं देता हूँ, क्षमा याचना करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्षमा नहीं मिलती शनि से, इसलिए शनि से लोग घबराते हैं। शनि प्रधान लोग सहानुभूति नहीं रखते, बहुत कड़क होते हैं। कई अधिकारी वर्ग के लोग आपने देखे होंगे, उनके आगे कितना भी गिड़गा लो लेकिन सहानुभूति नहीं रखते। दो प्रकार के अधिकारियों में सहानुभूति नहीं होती, एक मंगल जिसका बिगड़ा हो वो सहानुभूति नहीं रखेगा, एक जिसका शनि बिगड़ा हो। मतलब शनि स्ट्रांग है कार्यरत के लिए, लेकिन शनि वैसे सपोर्ट नहीं दे रहा, वो सहानुभूति नहीं रखेगा। उसके आगे जितना मर्जी गिड़गिड़ा लो नहीं सहानुभूति रखता। वो अपने स्टाफ में, अपने बॉस के लिए या अपने से नीचे सबॉर्डिनेट के लिए भी सहानुभूति नहीं रखता, ऐसा शनि वाला नंबर होता है। वो क्या, ऐसा व्यक्ति ऐसा कहता है गलत काम किया सजा भुगतो। शनि परखने वाला नंबर है, शनि लापरवाही वाला नंबर बिल्कुल नहीं है। धीरे चलें पर ठीक चलें और चलते रहें, कार्य करते रहें। शनि कहता है काम करते रहो, बीट स्लो बट करते रहो, समझदारी से, बुद्धिमानी से, सामाजिक तौर पे, तरीके से, सादगी से, विश्वास के साथ कार्य करते रहो। जिसका शनि बिगड़ा है सत्ता की भूख अहंकार स्ट्रांग होगा, ऐसा व्यक्ति साहसी होगा लेकिन दूसरों को तकलीफ देगा। बहुत लोग देखे होंगे आपने जो दूसरों को छोटी छोटी चीजों के लिए तकलीफ देते हैं। अपनी पोजीशन में बैठ जाएंगे, छोटी छोटी तकलीफ चीजों की तकलीफ देंगे, काम नहीं कर रहा, कुछ भी बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, किसी से गलती हो गई तो क्षमा नहीं किया, रहम दिल नहीं होते। शनि का इफेक्ट है। स्ट्रॉन्ग शनि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत मजबूत होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। स्ट्रॉन्ग शनि, वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स। शनि की कमांड गुरु से ज्यादा होती है एडमिनिस्ट्रेशन में। शनि वाला व्यक्ति निडर होता है, खड़ा रहता है। शनि अगर वीक है, दांतों के हड्डियों के रोग बहुत जल्दी होते हैं, पेट के रोग, विकार शरीर में बहुत जल्दी उत्पन्न होते हैं, कमजोरी बहुत जल्दी आती है, और दांत और हड्डियों बहुत आमतौर पर दिक्कतें देती हैं, क्लेश का कारण शनि है। शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव, मित्रों से नहीं बनना, मित्रों से अनबन रहना शनि। शनि मेहनत कश, ईमान का पक्का। शनि कर्म, जो हम कार्मिक बैकलॉग लेके आए हैं उसको, शनि की पोजीशन ऑफ द चार्ट और इन द चार्ट इंडिकेट्स कार्मिक बैकलॉग।
शनि क्या दे रहा है आपका, जहां शनि बैठा, एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट है, लेकिन जहां शनि बैठा वहां का कर्म जीवन में आप कार्मिक लेके आए हैं, वहां से पकड़ो कर शनि को और जीवन में वो काम जरूर करो, क्योंकि वो कार्मिक बैकलॉग है। कर्म अभी नहीं दोगे तो देने तो पड़ेंगे, या तो शांति से दे दो, खुशी से दे दो, और नहीं तो तकलीफ से दोगे, दोगे तो हो देने तो पड़ेंगे। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट, डू दी एक्टिविटी विद फन एंड एंजॉयमेंट। शनि सफरिंग्स भी है, हार्डशिप भी है, एट द सेम टाइम शनि मेटलिस्टिक गेन भी है। शनि छप्पड़ फाड़ के धन है, शनि के जूस भी है, मक्कार लेजी। शनि पोजिशन ऑफ द आर्ट कैसी है, हाउ इज द एट इन योर चार्ट, इट इंडिकेट्स शनि। शनि वाला व्यक्ति बहुत लेजी होता है, स्टेमिना हेल्थ वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों शनि है। मजदूर शनि है, मजदूरी शनि है, वो भी मेहनत कर रहा है, और हम नहीं कर पा रहे मेहनत तो हमारा 8 नंबर काम नहीं कर रहा। मजदूर जितनी मजदूरी करता है इतना, ये नहीं कह रहे हम कि उतनी मजदूरी करें, लेकिन हर व्यक्ति को मजदूर या हर व्यक्ति को मेहनत करने का अपना एक तरीका होता है। अगर हम मेहनत नहीं कर पाते, हमारी बॉडी मेहनत नहीं कर पाती, 8 नंबर वीक है, 8 नंबर की एनर्जी वीक है। लेबर का अनजस्टिस टू द लेबर, एनी टाइप ऑफ लेबर, आपकी मेड लेबर है, आपके कर्मचारी लेबर है, आपके मजदूर मकान बनाने में जो मजदूर इस्तेमाल किए, मिस्त्री इस्तेमाल किए, वो सब लेबर है। जितने कारीगर आपने इस्तेमाल किया मकान बनाने में, घर बनाने में, सब लेबर है आपके। अनजस्टिस टू डैम इस शनि, अनजस्टिस करके अभी रोके हैं हम बहुत ज्यादा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा निगोशिएशन करते हैं, नॉट आइडियल विद शनि पीपल। 50-100 रुपए की निगोशिएशन या छोटी मोटी निगोशिएशन इज नॉट आइडियल, लिव इट, ये क्रम है। अगर शनि को पैसे भी दिए और फिर भी खुश नहीं हुआ, व्हाट इट मींस, शनि को पैसे दिए मतलब लेबर को पैसे भी दिया आपने, अब उसके पैसे में, काम वाले के पैसे में ऐसा होता है, 6 दिन यही, अच्छा तेरे पैसे काट रही हूँ, ठीक, अच्छा तेरे 200 रुपये काट लिए, वो रोती रहेगी, 200 में आपका भी कुछ नहीं होना, लेकिन काट लोगे, होना आपका भी कुछ नहीं है 200 में, या जो भी है, व्हाट एवर मनी, ठीक, लेकिन काटे, ये शनि है। इट डजेंट मीन कि उसको आप पनिशमेंट ना दें, मे बी सम अदर वे यू कैन गिव, यू कैन टेल। शनि की पनिशमेंट मेहनत से होती है, गिव एक्स्ट्रा वर्क, टेल नो छुट्टी फॉर दिस मंथ, मार्क अटेंडेंस, रेगुलेट करो शनि को, ऑर्गेनाइज करो, एडमिनिस्टर करो, पनिशमेंट मत दो। इफ यू गिव पनिशमेंट इट्स अ लॉस, इफ यू ऑर्गेनाइज, इफ यू एडमिनिस्टर इट्स अगेन। शनि ऑर्गेनाइजिंग है, शनि एडमिनिस्टर्ड है, अटेंडेंस पे लिया उसको, पंचिंग पे लियाओ, मेड की नहीं आएगी, बट एक एग्जाम्पल्स है, पंचिंग नहीं आएगी तो टाइम लिखना शुरू कर दो चार्ट पे, टाइम लिखा आने का जाने का, चार्ट बना के टांग दो, टिक कर, अटेंडेंस टिक कर, कितनी बार आई। डिबेट, शनि से डिबेट नुकसान है। फाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट टू विन ओवर दैट पर्सन, दैट पीपल, अगेन वेरी वेल ऑर्गेनाइजिंग एंड सिस्टम डेवलपिंग टू कंट्रोल पीपल लाइक शनि इज अ गेन, इट्स अ विन। वो 8 नंबर की मजबूती है, और जो डिबेट करेंगे, पैसा काटेंगे, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं अपशब्द, वो शनि की वीकनेस, 8 नंबर वीक है। शनि के अंदर अचीवमेंट पावर स्ट्रांग होती है, लेकिन धीरे आती है, लेट आती है, सबर से आती है,
जल्दबाजी से नहीं आती। शनि वाली अगर वाइफ हो द लेडी स्टैंड्स विद हस्बैंड इन ऑल अनफेवरेबल कंडीशंस, चोरी भी कर लेगा तब भी उसके साथ ही खड़ी होगी, बकारी भी करेगा तब भी उसके साथ खड़ी होगी, दारू भी पिएगा तब भी उसके साथ खड़ी होगी। शी स्टैंड्स विद हस्बैंड इन ऑल अनफेवरेबल कंडीशंस। द लेडी इज वेरी मच कंसर्न ओवर द चिल्ड्रंस। और यही उसकी तकलीफ का कारक भी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी हर्ट्स नंबर ऑफ टाइम, न्यूमेरियस टाइम्स। यही तकलीफ का कारक है, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होने का रीजन है, सेपरेट डाइवोर्स। द मेल विद नंबर 8 वेरी हार्ड वर्किंग, मेहनत कश, मेहनत कश इंसान। ऐसे लोग सोशल गैदरिंग को अवॉइड करते हैं। 8 नंबर वाले व्यक्ति में फीलिंग की रिस्पेक्ट कम होती है, मेल की बात कर रहे हैं, फीलिंग की रिस्पेक्ट कम होती है, सो दे डू नॉट रिस्पेक्ट द पार्टनर्स फीलिंग आल्सो। बट बेनिफिट ये कि 8 नंबर वाले व्यक्ति को जो पार्टनर मिलता है वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पार्टनर होता है। लेट मैरिज या बैड मैरिज एक्सपीरियंस 8 नंबर के साथ कनेक्ट करता है। मैरिड लाइफ थोड़ी डावडोली चलती है, वेव वेवी की तरह चलती है। फाइनेंस सेकेंड फेज ऑफ लाइफ इज वेरी गुड फॉर देम, फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ इज वेरी हार्डशिप। अगर ये शनि की एक्टिविटी करें तो इनके लिए शुरुआत से अच्छा है, नहीं तो सेकेंड फेज ऑफ लाइफ इज गुड। आठवां वाले व्यक्ति लाइक इवन द लॉयर एंड द एडवोकेट एक्टिविटी आल्सो, 35 साल के बाद ही इनका रुतबा बढ़ता है, पहले स्ट्रगलिंग ही रहती है। सो सेकेंड फेज ऑफ लाइफ इज गुड, दे अचीव स्टेबल कैरियर, दे अचीव स्टेबिलिटी एंड दे अचीव सक्सेस। लेकिन लक के काम करेंगे तब मिलती है इनको, नहीं तो इनको जल्दी जल्दी में उठक पटक में नहीं मिलती। आजकल का ट्रेंड, आज जॉब बदली कल जॉब बदली, पर रोज स्विच करी वो स्विच करी, वो शनि वाला व्यक्ति काम करेगा तो शनि सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को स्टेबल जॉब करनी पड़ेगी, स्टेबल एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। शनि वाला व्यक्ति डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी इज वेरी वीक, बिकॉज दे आर डेस्टाइन टू शाइन। अब वो शाइन मिलती है धीरे, चेरी ब्लॉसम की तरह शाइन नहीं आती, ब्रश मारो साफ चमक गया, वो इनको शाइन नहीं मिलती। इनको शाइन रगड़ रगड़ के मिलती है, रिंग की सफेदी धुल धुल के आती है इनकी, जब तक इनकी धुलाई नहीं होगी तब तक इनकी रिंग की सफेदी नहीं चमकेगी। बट दैट्स द रीजन दे गेट डेस्परेट एट टाइम्स एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट द डिफीट, और लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी इज वेरी वीक, and that's the reason they get irritated and do wrong decision, wrong activity, there they get in problem. यहाँ पे इनकी समस्या बढ़ जाती है। अगर ये लोग वो करें नहीं करें, शांति रखें, धीरे चले, शांति से चले, चलते रहें, they definitely shine and they reach to the great heights. शनि प्रधान लोग नॉन वेज फूड, हार्ड ड्रिंक्स के आदि होते हैं। भोजन के अंदर इस तरह का फूड या इस तरह के मसालों वाला फूड के आदि होते हैं।
हवा की प्रॉब्लम होती है, हवा से मतलब, हवा से मतलब बाय टाइप जैसे होती है। गैस्ट्रिक इश्यू सर, सर्वाई बंदी की। हाँ बात राइट, व्हाट इज बात, अस्थमा टाइप, जॉइंट पेन्स हवा की वजह से होते हैं ना, वात की वजह से जॉइंट पेन्स होते हैं, गैस डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ना, गैस बहुत होना, स्टोमक अपसेट होना, इसमें बहुत बड़ा रोल वात का होता है। स्किन ड्राइनेस इज अ वात, ऐसे इश्यूज इनके साथ रहते हैं। शनि ड्राई है, तो ब्यूटी ऑफ स्किन इज नॉट रिलेटेड टू शनि एक्चुअली। जिनका शनि प्रबल होता है वो ब्यूटी ऑफ स्किन टफ हो जाता है उनके लिए। मेल में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, फीमेल को इफेक्ट पड़ता है इसका, वहां पे इस दिक्कत आती है। शनि वाला व्यक्ति पारिवारिक सुख के लिए परिवार की भावनाओं को समझे, जुआ सट्टा द्रव्य पदार्थों से मतलब मादक पदार्थों से, ना द्रव्य बट मादक पदार्थों से, इनके सेवन से, मांसाहारी पदार्थों से, इनके सेवन से अपने आप को बचाए। अपने मन की बात शनि वाला व्यक्ति जल्दी से व्यक्त नहीं कर पाता, ही इज नॉट ए गुड प्रेजेंटर, ही इज नॉट ए गुड प्रेजेंटर, लर्न टू बी प्रेजेंट, अपने मन का दुख, अपने मन का विचार दूसरों के साथ शेयर करें, उससे शांति मिलेगी। मेल जोर नहीं बढ़ा पाता, शनि अकेला रहता है, मेल जोर बढ़ाए, एकांत में ना रहा है, आइसोलेशन में ना रहा है, शांति मिलेगी। स्वार्थी ना बने, शनि इज वेरी सेल्फिश आल्सो, वेरी सेल्फिश, स्वार्थी ना बने, दूसरों की मदद करें। भैरव भगवान शनि देव के देवता माने गए हैं। सर कौन से शनि भगवान? भैरव, भैरव धर्म, भैरव 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 भैरव, भैरव, भैरव। ओके सर। शनि लॉन्ग टर्म डिजीज है, शनि लंबी डिजीज है, लंबी बीमारी है, एक बार आती है तो जाती नहीं है। शनि जननेन्द्रियों के अंदर बीमारी शनि को रिप्रेजेंट करती है, खास तौर से यूरिनल डिजीज या मूत्र रोग जिसे बोलते हैं। चिंता, भ्रम, दुर्घटना, शारीरिक कष्ट, ये 8 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 नंबर तकलीफ, इसलिए इंसान 8 नंबर से बचता है। आत्मा मेहनत का है, जिसका शनि अच्छा हो कुंडली के अंदर, पहले बता रहा हूं कुंडली के अंदर, 8 नंबर से नहीं, कुंडली के अंदर, वो व्यक्ति 8 नंबर का जितने काम करेगा उसको उतने फायदे मिलेंगे। जिसको शनि प्रॉपर्टी दे रहा है, धन फाड़ के दे रहा है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको शनि की 7.5 के अंदर प्रॉपर्टी बनती ही बनती है उनकी, उनका 8 नंबर क्या बिगाड़ेगा, 8 नंबर को देने के लिए तो बैठा है। स्ट्रॉन्ग सेकंड की डेफिनेशन एक बार बताएंगे? सैटर्न की डेफिनेशन तो सर मैं इतनी सारी बताई तो, अभी नहीं सब स्ट्रॉन्ग सेकंड आपने जो बोला ना, स्ट्रॉन्ग सैटर्न, सैटर्न गिव्स गुड मनी, गुड वेल्थ, नेम फेम, हाई पोजीशन, टॉप पोजीशन, कमांडिंग पोजीशन, बी इट ए प्राइवेट बी इट ए प्राइवेट जॉब और बी इट ए गवर्नमेंट जॉब, बट इट गिव्स ए स्ट्रॉन्ग हाई लीडरशिप पोजिशन, कमांडिंग पोजिशन। ऐसे व्यक्ति को जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने शनि की 7.5 के अंदर,
लोग घबराते हैं, वो कहता है प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी भाई। जीवन काल में जब शनि उसकी चाल में आता है, प्रॉपर्टी दे जाता है, गाड़ी दे जाता है, नई गाड़ी नई प्रॉपर्टी दे देगा। गाड़ी बेसिक होगी, मतलब अब बेसिक किसको बोलेंगे पता नहीं, जैसे अर्टिगा फॉर एग्जाम्पल, फॉर दैट मैटर इट्स अ बेसिक कार, बट इट्स अ बिग कार, इट विल नॉट बी BMW काइंड ऑफ। उसकी इच्छा BMW की नहीं होगी, वो कहेगा मुझे बढ़िया कार चाहिए, मजबूत कार चाहिए, ठीक है बदेगा। अब बेसिक की डेफिनेशन शुक्र वाली की बेसिक, वो तो कहेगा BMW बेसिक है मेरी, तो वो डेफिनेशन नहीं बनती। शनि वाला व्यक्ति नया गाड़ी मिलेगा, साफ गाड़ी मिलेगा, लेकिन गाड़ी मिलता हैगा। तो शनि स्ट्रॉन्ग शनि है, 8 नंबर वाला व्यक्ति का, उसका शनि 8 नंबर का घर होगा ना, उसके लिए काम करेगा, उसके लिए काम करेगा बढ़िया। ये शनि है, ये 8 नंबर है जिसके पास है, 8 8 नंबर कौन कौन है, अपने अपने भाव व्यक्त करें जी। इनका 17 वगैरह 26 नहीं है क्या सेम? अच्छा ठीक है, मैं भूल गया, ठीक है अच्छा याद दिलाया आपने अनुदा जी, धन्यवाद। शनि का 8 17 और 26, 17 मतलब 1 और 7, 1 मतलब राजा, 7 मतलब केतु रिलीजियस। एक तो 1 और 8 दो आ गए, कड़क होगा, पैसे का हिसाब किताब पक्का, ईमान का पक्का, एक एक पैसे का हिसाब किताब। बिकॉज 7 इज देयर, बिकॉज ऑफ ओनली 7 दे आर दयालु, दयालु स्वभाव इनका मिलेगा। लेकिन ये लोग निजी संबंध में थोड़े असंतुष्ट रहते हैं, बट काम की गहराई में जाते हैं। 7 नंबर भी है, 1 भी है 8 भी है, काम की गहराई में डीप के अंदर जाके काम करते हैं ये लोग, और इनको पदोन्नति मान सम्मान अच्छा प्राप्त होता है जीवन में। 26 से बना 6 8, 2 और 6, 2 चंद्र 6 शुक्र, शत्रु बहुत होते हैं इनके, और फीमेल कनेक्ट भी बहुत होते हैं इनके। यही फीमेल कनेक्ट इनके गृह जीवन में तबाही भी लेके आते हैं। 26 वालों को फीमेल कनेक्ट बैलेंस रखने चाहिए, क्योंकि 2 भी फेमिनाइन है, 6 भी फेमिनाइन है, और 8 के साथ दैट कनेक्ट करते हैं, स्पेशली मेल के अंदर। छब्बीस नंबर इज ए टफ नंबर, इज ए टफ नंबर, इज नॉट इजी नंबर। जीवन में मुसीबतें और कठिनाइयां बहुत होती हैं, रहती हैं। धन संपत्ति देरी से आती है, लेकिन धन संपत्ति इनको 6 नंबर साथ मिल रहा है, दे डेफिनेटली इंजॉय धन संपत्ति, बट समय से आती है, इनको जल्दी नहीं मिलती। ओवरऑल इज ए टफ नंबर। 26 नंबर वालों में एक अच्छी बात है, ये अपने औकात में रहना पसंद करते हैं, इनको अपना दायरा मालूम होता है, इनको अपनी औकात मालूम होती है, औकात इस जिसको दायरा बोलते हैं, दायरा मालूम है। छब्बीस नंबर वाला व्यक्ति जीवन के दूसरे पड़ाव में जब पहुंचता, जैसे जैसे पहुंचेगा वैसे वैसे संयम बढ़ेगा उसका, और जीवन के अंदर अपनी खुशहाली को वापस गेन करेगा, रिट्रीव बैक करेगा। लेट जीवन उठता है इनका, जल्दबाजी भी बहुत होती है, इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आठ नंबर इटसेल्फ, आठवा वाला व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है, शनि व्यापार भी है, शनि हार्डकोर व्यापार है, हार्डकोर व्यापार, शनि ट्रेडर नहीं है,
हार्डकोर व्यापार है, मशीनरी व्यापार, लोहा व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग व्यापार, हार्डकोर व्यापार, अच्छा व्यापारी है, व्यवहारिक है, अपने लक्ष्य को सिद्ध करने वाला है, कार्मिक है, कर्मठ है। अब कर्मों में जो रुकावट आती है, उस कर्मों के रुकावट का इसको पार करके भेद के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है, स्ट्रांग मेहनती कर्मठ है। 8 नंबर, 8 नंबर इज अ स्ट्रांग नंबर, लेकिन 8 नंबर नियम, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। 8 नंबर इज अ पावर ऑफ सक्सेस। 8 नंबर वो पावर है जिसके आगे कोई नंबर टिकता नहीं है, बट दे नीड टू लर्न दी 8 नंबर, 8 नंबर हाउ टू बैलेंस 8 नंबर, टिकेगा नहीं इसके आगे कोई भी। इससे बात करने में ना इंसान 4 बार सोचेगा कि इससे बात करूंगा तो इसका जवाब क्या आएगा, क्योंकि ये मुंह पे तमाचा मार देता है, सोच के बात करनी पड़ती है इससे, क्योंकि इसके पास टिप्स पर चीजें होती है। ऑर्गेनाइजिंग स्किल जब स्ट्रांग होगी, टिप्स पर चीजें होंगी, फालतू बकवास नहीं होती, कहानियां नहीं चलती इसके आगे। ये 8 नंबर है, ये स्ट्रांग नंबर, 8, 17, 26 हो गए, ठीक जी सुनीता।